एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर जितने भी व्यंजन बनते हैं खाने से संबंधित, ये चस्का मतलब ऐसा चस्का है यहाँ के कि जिसके परिवार वाले बाहर निवास करते हैं, सर्विस करते हैं इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में, जैसे कि यूएस हुआ और भी दूसरे देश है, तो वहाँ पर मतलब क्या है कि इसका स्वाद लेते हुए वहाँ पर भी इसका प्रचलन अधिक बढ़ने लगा। इंदौर में सबसे ज़्यादा मतलब टेस्टी कचौरी, मतलब अनेक प्रकार, जैसे हींग की कचौरी रहती है, प्याज की कचौरी रहती है, दाल की कचौरी रहती है, इसके आधार पर लोग बहुत स्वाद के अनुसार मतलब इसकी डिमांड बढ़ती है और विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ने लगी है। वो श्री जी रेस्टोरेंट वो इनकी डिमांड पूरी कर रहा है। अभी आपके पास कितने प्रकार की कचौरी की डिमांड आती है और किन किन देशों को भेज चुके हैं आप? अभी हमारे पास दाल की कचौरी की, हींग की कचौरी की डिमांड आई है, जो एक तो थाईलैंड गई है, दूसरी अमेरिका जाने वाली है। श्री जी रेस्टोरेंट की इनकी पहली बार कचौड़ी खाई और जैसे ही मैंने टेस्ट किया तो मैंने उनको आके बोला कि मैंने कहा ये मेरे को सालों पुराना जो एक्चुअल टेस्ट आता था, इसमें प्रयोग तो बहुत चलते हैं पर जो कचौड़ी का स्वाद है वो स्वाद मेरे को मिला। और वो बात मैंने फिर घर पर भी बतलाई, बच्चों को बतलाई, तो अब स्थिति ये है कि वहां से यूएस से बेटे के वहां से डिमांड आ गई। अच्छा, कितनी कचौरी की डिमांड है, कैसे भेज रहे? वो तो मैं साथ में लेके जाऊंगा, मेरा अभी प्रोग्राम है, 30-40 कचौड़ियां जो है वो इनसे पैक करवा के ले जाएंगे उसको। और सर कितनी तरह की कचौरी मिलती है वैसे इंदौर में? तो खैर कई तरह की कचौड़ी मिलती है, अब दाल की कचौड़ी, उसके बाद में आपको दाल में भी जो है हींग की कचौड़ी हुई, बाद में तो फिर कई प्रयोग हो गए, कई अलग अलग तरह के स्वाद, आलू की कचौड़ी बना दी लोगों ने, समोसों को जो है कचौड़ी में डाल दिया और सब सही बात यह है कि इंदौर में लोगों को स्वाद की फर्क है और इसलिए कचौड़ी वाले भी जो है वो अलग अलग प्रयोग करते हैं।